नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में 60/40 नियोजन नीति के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए छात्र संगठन ने मंगलवार को मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बा टिक्का चौक तक गया। इस दौरान छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। आपको बताते चले कि झारखंड में नियोजन नीति को लेकर जनवरी 2022 से ही लगातार उग्र आंदोलन जारी है। दरअसल फरवरी 2020 में हेमंत सोरेन सरकार नई नियोजन नीति लाई थी। इसमें राज्य की तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में आवेदन के लिए झारखंड से ही 10वीं-12वीं पास करने की अनिवार्यता रखी गई थी। अभ्यर्थियों के लिए झारखंड की स्थानीय भाषा, संस्कृति और परिवेश की बुनियादी जानकारी रखना अनिवार्य किया गया था। क्षेत्रीय भाषा की सूची से हिंदी को हटाकर उर्दू भाषा को शामिल किया गया था। दिसंबर 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। सरकार सुन ले कि झारखंड का विज्ञापन में भारत का नागरिक मांगा जाएगा तो इस सरकार नहीं चलने देंगे हम लोग। ये सरकार कान खोल के सुन ले। और ये जो कल जो पूरा आखिरी ताकत लगाने के बावजूद 36 दंडाधिकारी, 12 DSP, लाठी पाटी, होमगार्ड, IRB, SIRB, इको ऐसे तमाम SSP लेकर पूरा पुलिस महकमा पूरे झारखंड प्रदेश में ब्रेकेडिंग लगा था। सिर्फ मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द 36 ब्रेकेडिंग लगा था, 2500 अतिरिक्त बल लगाया था, पूरे संपूर्ण झारखंड में ब्रेकेडिंग लगा। आने वाले को टोल प्लाजा में रोका गया, ट्रेन से आने वाले को स्टेशन पे जो है कि रोका गया। उसके बावजूद हमारे छात्रों ने बड़ी चालाकी के साथ पहुंचा तो कल का झारखंडी को बंद को कोई माय का लाल जो है क्या सफल नहीं कर सकता है। और मैं बार बार मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारा ये 72 घंटे का आंदोलन उसी प्रकार इतिहास के पन्नों पे दर्ज होगा जिस प्रकार झारखंड अलग राज का आंदोलन जो 1989 का जो 72 घंटे का बंदी था, 72 घंटे पूरे छात्र नौजवान सड़क पे थे और उसका असर ऐसा था कि पूरा इतिहास उसको याद करती है कि आंदोलनकारियों को तत्कालीन केंद्र की सरकार बूटा सिंह यहाँ के आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए बुलाई थी और अलग झारखंड राज्य का सहमति बना था और सदा के लिए आंदोलन इतिहास के पन्नों पे दर्ज हुआ। उसी तर्ज पर हमारा ये 72 घंटे का आंदोलन इतिहास के पन्नों पे दर्ज होगा। 60/40 नहीं चलेगा यहाँ के विज्ञापन पे जो है कि भारत का नागरिक के साथ साथ झारखंड का स्थायी निवासी का प्रावधान करना पड़ेगा और फार्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य भरना होगा और यहाँ के एक स्पेशल पेपर देना होगा जिसमें यहाँ की रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, संस्कृति जानने की अनिवार्यता हो। और यहाँ बार बार क्वेश्चन लीक का मामला आता है, इसलिए नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के तर्ज पे लाना होगा। ये जो बाहरियों का जो इस झारखंड राज्य में सबसे बड़ा जो नियुक्ति जो रिक्त पद पड़ी हुई है 3 से 4.5 लाख, इसका पूरा बाहरी को बेच करके यहाँ के सरकारी तंत्र को बाहरी के मुठ्ठों पे गुलाम बनाने का साजिश रचा जा रहा है। यह झारखंडी कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बात कर लिया और बोल दिया कि आप लोग को हैंड ओवर किया जाता है ये खेलगांव थाना में, और खेलगांव थाना में हमें बहुत गंदा गंदा गाली से बर्ताव किया गया, भूलेंगे नहीं इस सरकार को। और 2 बजे बॉन्ड भराया दिया जाता है तो हम कह देते सरकार को, आज का छात्र कल के अधिकारी है, आज के छात्र कल के IAS IPS है, आज के छात्र कल के मंत्री है, एक एक चीज का हिसाब होगा। और साफ साफ कह देते हैं कि अगर छात्र जिस धैर्यता से कल थे, एक फुटेज दिखा दीजिए कहीं अगर छात्र कल उपद्रवी में थे तो, और बदले में यहाँ के पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर का बात करता है, जो सिस्टम को व्यवस्था को सुधारने का बात करता है, यह लोग आतंकवादी जैसा व्यवहार करते हैं, गुंडागर्दी जैसा व्यवहार करते हैं जिसका कल देखने को मिला। और हम कह दे रहे हैं एक एक छात्र पे जो लाठी पड़ा है, जो खून बहा है, यह हमारा आंदोलन को और मजबूत करेगा।